में जेवर और मृत्यु के नियंत्रक हम, हमने देवकी को जीवन दान दे दिया। हम चाहते तो उसका जीवन ले सकते थे। जीवन और मृत्यु के नियंत्रक हम, महाराजा धराज कंस धरती के पहले को आकाश का तारा बना सकते हैं और आकाश के तारे को नमस्कार धरती में रौंद सकते हैं। अरे तेज और ओज से शत्रु ऐसे कांपते हैं जैसे आंधी में पत्ते। हमारी सेना की गगन भेदी हुंकार से इंद्र का सिंहासन भी हिलता है। परम भोज सर्वशक्तिमान हम महाराजा धीराज कंस, तो तारणहार कौन है? तारणहार तारणहार एक कल्पना है महाराज। हम इस कल्पना को नष्ट कर देंगे। परम आप इसे नष्ट नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते? जब तक एक भी व्यक्ति जीवित है उसके मानस में ये कल्पना जीवित रहेगी। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा प्रलम। तो महाराजा धीराज शासन किस पर करेंगे? इसके मूल में है जनता के धार्मिक विचार, धर्म गुरुओं के प्रवचन और शिक्षाएं। उनका मानना है ईश्वर हर संकट में अवतार लेकर उनके कष्टों को हरेगा। मूर्ख है वो, मूर्ख है। महाराजा धीराज के पवित्र करकमलों से अब तक देवकी के 7 पुत्रों का उद्धार हुआ है। तो 7 बार यादव स्त्रियों को अनुभव हुआ कि उनका गर्भखंड नोच कर कुचला गया। 7 बार यादवों ने नपुंसक क्रोध के ज्वार को अपने हृदय में दबा लिया। 7 बार देव मंदिरों में जाकर अवतार के लिए आह्वान किया। हमारा विनाश करने के लिए ना मूर्ख है भलम। घोषणा कर दी जाए कि आज से मथुरा साम्राज्य में केवल भगवान श्री कंस की उपासना होगी। भगवान श्री कंस की, और जो इस आज्ञा की अवहेलना करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। भलम राज नहीं भगवान श्री कंस। भगवान श्री कंस की जय। भगवान श्री कंस की जय। भगवान श्री कंस की जय। भगवान श्री कंस। उस दिन भी ऐसी ही काली रात थी। हाथियों से उमड़ती काली घटाएं तारों को तीलती जा रही थी। ऐसा लगता था धरती की भयानक पीड़ा अपनी भयानक अभिव्यक्ति से सृष्टि का नाश करने पर उतारू। देवकी के 8वें पुत्र को जन्ने की पीड़ा, श्री कंस के काल को जन्ने की पीड़ा, हम देवकी के 8वें पुत्र को स्वयं नष्ट करने आए। जानता था कि तुम अवश्य आओगे। तुम इतने अधीर हो गए कि आज की युक्ति करना भी भूल गए। तुम इतने आशंकित हो गए कि मेरे कथन पर विश्वास करना भी भूल गए। अब सहज व्यक्ति नहीं रह गए हो कंस, अहंकार में विक्षिप्त हो गए हो, मानसिक रोगी हो गए। और यदि तुम्हारी यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं कि यमुना नदी में कूद कर तुम आत्महत्या कर लोगे। और यदि वहां से बच भी गए तो तुम्हारा अंत मेरा ही पुत्र करेगा। सुन रहे हो न कंस, मैं वासुदेव अपनी समस्त
शक्ति और साधनाओं को एकत्रित कर तुम्हें ये श्राप देता हूं, तुम्हारा मेरा ही पुत्र करेगा, मेरा ही पुत्र करेगा, मेरा ही पुत्र करेगा। तो ये मेरा काल बनेगा। वो तो अपने भाई का कटा हुआ सर देख सकेगी। बालक मुझे दे दे उसकी। नहीं भैया, इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे भैया। देख क्या ही? तूने अपने भाई के रूप में देखता देखा था, आज दानव फिर देखेगी। पहचानने में भूल ना हो देव की। बालक मुझे दे। बालक पुत्र वासुदेव की संतान।